कप्तान होगा तो आप किसी गली मोहल्ले की टीम से, मुबारक हो बाबर आजम, दुनिया क्रिकेट में आपने जो रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं, 75 साल में पहली दफा पाकिस्तान व्हाइट वॉश, पहला कप्तान बन गया बाबर आजम जो 4 टेस्ट मैच एक ही साल में हार गया, इससे पहले इंजमाम नहीं ले रहा, वही डिफेंसिव माइंडसेट, वही डिफेंसिव अप्रोच और उन्हीं मिस्टेक्स को जो है दुराते हुए पाकिस्तान को अपने घर पर इंग्लैंड ने शिकस्त दी है, तारीखी फतह हासिल की है। ये कहना क्या है मुझे आप आज सिखाएं कि कहना क्या है? कंजर क्लास। अच्छा कंजर क्लास, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड क्लास है। डंगर क्लास है, पंटर क्लास, पर्ची क्लास, यारी दोस्ती क्लास, घंटे के ग्रेड किधर है, वो छुपे हुए हैं जिनको अब टॉप बैटर नजर आ रहा है, घंटा ग्रेड नजर नहीं आ रहा है। अच्छा अब अफ्रीका के खिलाफ कंसीड किया उनके अपने घर में, और माशाल्लाह से इंग्लैंड ने हमको हमारे घर के अंदर व्हाइट वॉश कंसीव करवा दिया, कंसीड करवा दिया। बहुत बहुत मुबारक हो बाबर आजम एंड कंपनी को, बहुत बहुत मुबारक हो रमीज राजा को जिनको बाबर आजम के आगे कुछ दिखता नहीं है, बहुत बहुत मुबारक हो सकलेन मुश्ताक को, 3-0 से वो सेटिस्फाई हो जाएंगे, वो 2-0 से सेटिस्फाई थे तो अब 3-0 से भी सेटिस्फाई हो जाए। ये जो झुंझुना है ना इसको बस अब बैठ के सारे दिन बजाते रहे, बाबर आजम मोहम्मद रिजवान वर्ल्ड क्लास बैटिंग नंबर वन ICC अवार्ड, 3-0 से बम्बूजल्ड किया इंग्लैंड ने हमें, 3-0 से। बाबर आजम की कप्तानी में पहली बार पाकिस्तान की तारीख, वो तारीख लिखी गई है कि हम अपने घर पर पहली बार 3-0 से वाइट वॉश हो गए। मैं पूछता हूं अली, इस WTC में हमें एक भी मैच अपने घर में जीतने को नहीं मिला, क्या एक्शन दोस्तों? पाकिस्तान को T20 के अलावा कुछ दिख ही ना रहे, पाकिस्तान ना तो टेस्ट में अच्छा खेल सकता है ना वनडे में खेल सकता है, पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का फाइनल क्या खेल लिया, पाकिस्तान को लगने लगा आम शेर है, लेकिन इंग्लैंड ने उनको टेस्ट मैच में T20 की अप्रोच से हराया हुआ दिखा दिया कि वर्ल्ड कप में भी हमने तुम्हें हराया था और अपने तुम्हारे घर में घुसकर 3-0 से हमने तुम्हारी सीरीज व्हाइट वॉश तुम्हें करवा दी और तुम देखते ही रह गए। इंग्लैंड ने ऐसे पाकिस्तान को धो दिया और धूल चटा दी, इस पर पाक मीडिया और पूरे पाकिस्तान में खलबली मच गई है कि इंग्लैंड ने 3-0 से सीरीज व्हाइट वॉश कर दी, और इस पर पाक मीडिया का क्या रिएक्शन आया देखने के लिए शुरू करते हैं मजेदार वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, मैं मिलता हूं आपको वीडियो के एंड में। जय हिंद जय भारत। 2002 में 2004 में द मैच विनर 3 हारा था, इसने 4 हार दिए, मुबारक आ सकता है, पांचवा भी आ सकता है, अभी 4 हो गए ना। पाकिस्तान की क्रिकेट की हिस्ट्री का जो एक भी टेस्ट मैच पाकिस्तान की टीम नहीं जीत सकी, जो टेस्ट को T20 से तोलता है, जो टेस्ट को वनडे से भी नहीं कंपेयर कर पाता, जो सिर्फ मैं करता है, और धन्य भाग है, मेरा सलूट है दोनों हाथों से इमरान खान साहब, हर एक बात है आप मुस्तहिक हैं, आप और आपके लपड़ कपड़ जिन्होंने जो आपका विजन था, मुझे मौका मिले वेद मियादाद वसीम अकरम आकिब जावेद जैसे लोग ना होते, मोइन खान ना होता तो 92 का वर्ल्ड कप इमरान खान तू वाकई ऐसे ही जिताता हमें, ये तेरी मेहरबानी है आज हम इस सतह पे पहुंच गए हैं कि हमारी क्रिकेट जो है वो हॉकी पे आ गई है, स्क्वाश पे आ गई है, टेनिस पे आ गई है, बैडमिंटन पे आ गई है, फुटबॉल पे आ गई है, आज हमारी क्रिकेट का नामो निशान भाई देखो ऐसे रन आप, उसका रिदम, उसका एक्शन, कहीं से आपको फास्ट बॉलर लगता है, कहीं से बता दें आपको लगता है जाहिद महमूद, आपको कहीं से लगता है लगी है, और सबसे बड़ी बात ये जो सारे साथ जोड़े हैं, देखें हाई परफॉर्मेंस है कि पाकिस्तान जो है ये मैच भी हार गया और पाकिस्तान 3-0 से सीरीज को जो है माशाल्लाह हार चुका है, और वाइट वॉश जो है पाकिस्तान ने अपने आप को इंग्लैंड से करवा लिया है, चाहे हो ऑस्ट्रेलिया चाहे हो इंग्लैंड जो हमारे घर पर आ रहा है, बड़े लंबे अरसे के बाद जो है क्रिकेट आबाद हो रही है, लेकिन रिजल्ट जो है बदलने का नाम नहीं ले रहा, वही डिफेंसिव माइंडसेट, वही डिफेंसिव अप्रोच और उन्हीं मिस्टेक्स को जो है दुराते हुए पाकिस्तान को अपने घर पर इंग्लैंड ने शिकस्त दी है, तारीखी फतह हासिल की इंग्लैंड ने अपनी बेन स्टोक की क्यादत में, एक दिलेर कैप्टन की क्यादत में, एक शेर कैप्टन की क्यादत में उसका काफिला आया और पाकिस्तान से ये सीरीज निकाल कर ले गया और जीत कर ले गया, और हमारे यहाँ जो एक लंबे अरसे से रोज का जैसे ट्रॉफी डोमेस्टिक टूर्नामेंट फलाना फलाना ये वो खेल खेल कर जो है जो शानदार टीम इन्होंने सेलेक्ट की थी जिसमें ना फवाद आलम को डाला गया ना सरफराज अहमद को डाला गया
ना आप बॉलर था कोई, ना आपका कोई मेन बॉलर डाला गया, बड़ी कमाल सुपर डुपर टीम जो सिलेक्ट की गई उस टीम के मुंह के ऊपर मलकर जो है वो इंग्लैंड यहां से रवाना होगी। तीन जीतों के साथ वेल डिजर्व फतह हासिल कर इंग्लैंड चला गया और आपके बाबर आजम देखते रह गए और कुछ ना कर सके। इंतहाई शर्म की बात है, वैसे तो मैच कल ही खत्म हो गया था, सीरीज भी कल खत्म हो गई थी, एक फॉर्मेलिटी थी खाली, एक रात हमें अभी दी हुई थी कि वो होता है ना कि ऑपरेशन, बिल्कुल वो आईसीयू में रखा हुआ था कि अभी हार है वो कल का इंतजार करो, और वो आज दिन आ गया, 50 ही चाहिए थे और उन्होंने खत्म ही कर, यू चुटकी बजा के खत्म ही करना था और उन्होंने यू चुटकी बजाई और कहानी हमारे हाथ से निकल गई। 3-0 से बम्बूजल किया इंग्लैंड ने हमें, 3-0 से। बाबर आजम की कप्तानी में पहली बार पाकिस्तान की तारीख, वो तारीख लिखी गई है कि हम अपने घर पर पहली बार 3-0 से व्हाइट वॉश हो गए। मैं पूछता हूं अली, इस WTC में हमें एक भी मैच अपने घर में जीतने को नहीं मिला, क्या एक्शन होगा? के बाद दूसरी टीम बन गई, आप क्या एक्शन होगा कि कप्तानी बाबर आजम साहब की जो कप्तानी है बिल्कुल सैक करना चाहिए अपनी तारीख में, पहली बार तारीख में या तारीख भाई में हम पहली बार जो है व्हाइट वॉश हुए घर पे, तो इस पर तालियां बजानी है, तारीफ करनी है, वर्ल्ड क्लास, पहली क्लास, दूसरी क्लास, ये कहना क्या है? मुझे आप आज सिखाएं कि कहना क्या है? कंजर क्लास, वो छुपे हुए हैं जिनको अब टॉप बैटर नजर आ रहा है, पहला ग्रेट नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, अब टॉप बैटर का वर्ड आ गया, वर्ल्ड क्लास खत्म हो गया, वो जो बेगैरत बेहोश हो जाते थे उनको गैरत नहीं होंगे, गैरत मुश्किल काम है, ये सस्ते में नहीं आती गैरत, मतलब एक बार बगैरती होने लगे तो फिर इंसान का यही दिल चाहता है कि मैं बगैरती पे ही कायम रहूं। पाकिस्तान, हाँ, पाकिस्तान का गैरत पे, बगैरती पे सब कुछ मिल रहा है तो फिर हाँ, सौदा किसका किया? पाकिस्तान यार, आप पाकिस्तानी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, सौदा किया इस बात का एहसान करते हैं वो बेचारे, अब वो ना खेले तो आप टीवी पे सिर्फ चाय की पत्ती का एड देखेंगे, एक बार पी कर तो देखें, एक बार पी कर, एक बार ये तो पी गए, मुल्क को कौम के जज्बात पी गए, एक बार इस बेगैरती को जी कर तो देखें जो भाई आज माशाल्लाह शुगले आजम, हाँ शुगले आजम है ये, बेहतरीन कारकर्दगी है यार, आप खामखाई बैच कर रहे, बेहतरीन कारकर्दगी है, रन नहीं बनाए क्या कप्तान ने हमारे? बनाए बनाई है, साउथ शकील ने नहीं बनाए, डाल लो सेंचुरी है, इमाम जब फिट हुआ, इमाम ने एहसान नहीं किया आखिरी टेस्ट में, वो चौथे नंबर पे आया, वो बैठ गया नहीं, रिजवान आया, एंडरसन की जेफर थी यार वो बॉल, वो तो किसी भी को भी आउट कर देती थी, उससे पहले तो 25-30 रन बनाए ना उसने, साल में उसने बॉल नहीं, उससे पहले देखिए आप हो जाते हैं बायस, मैं आपको बताऊं आप बायस हो जाते हैं, मतलब यार क्या हुआ, एक बार 500 इंग्लैंड ने किया, हाँ। नहीं तो हमने नहीं किया क्या 300? बिल्कुल किया नहीं, हमने पहली इनिंग में 304 नहीं किए, तेज वाले नहीं, बाबर ने एक सेंचुरी किस्म का, एंड पाकिस्तान हैज बीन ऑफिशियली, ऑफिशियल मार्क लग चुका है, पाकिस्तान 75 साल में पहली दफा व्हाइट वॉश हो गया है टेस्ट मैच में अपने घर में, पलट के देखे बांग्लादेश देख ले, मैं तो इंडिया का नाम भी बाद में लेता हूँ, बांग्लादेश का पहले नाम ले लेता हूँ, उनको भी घर में हराना मुश्किल होता है, फिर आप आ जाए इंडिया, उनको तो बिल्कुल ही हराने में पॉसिबल होता है, आप आज पहुंच जाए ऑस्ट्रेलिया, वहां तो नामुमकिन है, पाकिस्तान ने आज से पहले व्हाइट वॉश जरूर टेस्ट मैच में अपने खिलाफ कंसीड किए हैं, लेकिन वो मजे की बात है सारे सेना में आए थे, तो घर पे तो छोड़ो सेना तो छोड़ो, मतलब ये वाली बात होती थी ना कि हम सेना में वीक हैं घर में बहुत तकड़े हैं, अब तो सेना में ना छोड़े, हम घर में भी टाइट फुस हो चुकी है हमारी, और हमारे जो अगर हिस्ट्री के व्हाइट वॉश थे वो 6 व्हाइट वॉश हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कंसीड किए हैं, 2 व्हाइट वॉश हमने साउथ अफ्रीका के खिलाफ कंसीड किए उनके अपने घर में, और माशाल्लाह से इंग्लैंड ने हमको हमारे घर के अंदर व्हाइट वॉश कंसीड करवा दिया। बहुत बहुत मुबारक हो बाबर आजम एंड कंपनी को, बहुत बहुत मुबारक हो रमीज राजा को जिनको बाबर आजम के आगे कुछ दिखता नहीं है, बहुत बहुत मुबारक हो सकलेन मुश्ताक को, 3-0 से वो सेटिस्फाई हो जाएंगे, वो 2-0 से सेटिस्फाई थे तो अब 3-0 से भी सेटिस्फाई हो जाए, ये जो झुंझुना है ना इसको बस अब बैठ के सारे दिन बजाते रहे, बाबर आजम मोहम्मद रिजवान वर्ल्ड क्लास बैटिंग नंबर वन ICC अवार्ड हमने $1 बिलियन को हराया, हमने इंडिया के खिलाफ 2 मैच जीते, हम एशिया कप के फाइनल में पहुंचे, हम वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे, कभी बैठ के कभी किसी ने अगर डीप डाउन सोचा होता ना, या किसी ने बैठ के बाबर को बिठा के पूछा होता कि भैया तू क्यों हारा एशिया कप का फाइनल, भैया तू क्यों हारा T20 वर्ल्ड कप का फाइनल, लेकिन वहां बिठाया आपने पिनाए हार नहीं, आपने तो बहुत बड़ा काम कर दिया, अब आज भी कोई प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर मीटिंग रखवा दें, कोई पार्टी वार्टी रखवा दें T20 वर्ल्ड कप फाइनल की, या ये लोग ने बताएं फिर IPL PSL कैसे बेहतर है, बताएं फिर वो ICC को कैसे तड़ियां लगानी चाहिए, बताएं फिर एशिया का वर्ल्ड कप फाइनल, क्योंकि अब ये लॉलीपॉप यही। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका भाई का चैनल कल्ली मीडिया लेटेस्ट इंडिया। दोस्तों, पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच आज सुबह ही ख़त्म हो गया और
इंग्लैंड ने पाकिस्तान को बुरी तरह से घर में घुसकर ऐसा धोया कि पाकिस्तान को नानी याद दिला दी। पाकिस्तान को 3-0 से इंग्लैंड ने ये सीरीज व्हाइट वॉइस की और दिलेरी से और बहादुरी से इंग्लैंड ने पाकिस्तान को घर में घुसकर हराया और पाकिस्तानी मीडिया और पाक के खिलाड़ी बाबर आजम साहब सब कोच सब देखते ही रह गए। इंग्लैंड ने ऐसे पाकिस्तान के नाक के नीचे से इस जीत को ले लिया और सीरीज को 3-0 से पाकिस्तान को व्हाइट वॉइस कर दिया। और दोस्तों टेस्ट मैच देखने से लग ही नहीं रहा था कि इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच टेस्ट मैच हो रहा है। इंग्लैंड ऐसे पाकिस्तान को धो रहा था जैसे लग रहा था कि ये तो T20 हो रहा है और पाकिस्तान के बॉलरों की एक भी ना चली। सभी बॉलरों को इंग्लैंड ने ऐसा धोया, बहुत ही क्या बोले उसको शब्द ही नहीं मेरे पास कि ऐसा इंग्लैंड ने धो दिया पाकिस्तान को और 3-0 से पाकिस्तान को व्हाइट वॉइस कर दी। हेड क्रॉली इंग्लैंड के सारे बल्लेबाजों ने ऐसे रन ठोके कि पाक मीडिया और पाकिस्तानी खिलाड़ी देखते ही रह गए और इसी तरह इस पर पाक